खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, टमाटर के असमान पकेले रोकथाम की तकनीकी जानकारी, मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओखर देखभाल करना शामिल है। जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र बर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जेनह 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। टमाटर ला एक संग लगाए के बाद भी एक समय में यह एके संग नहीं पके, जेकर कारण उत्पादन कम निकलते और मुनाफा भी कम होते। ए असमान फल के पकेले रोकथाम बर उर्वरक के मात्रा ला संतुलित रखना चाहिए, पौधा मन ला उचित दूरी में लगाना चाहिए, जेकर ले उमन ला पर्याप्त पोषक तत्व और नमी मिले। संगे संग पोटेशियम क्लोराइड के 0.5% दवाई के छिड़काव फल लगे के समय करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट मिक्स और लेवल द सॉयल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज के डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज के डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है, उसको फर्टिलाइजर एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। मिर्चा के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म के मिर्चा भर गर्म और आद्र जलवायु उपयुक्त होते। ये किस्म के मिर्चा भर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होते। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले ये मिर्चा के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होते। ये मिर्चा के फल हरा रंग के और मोटा लंबा चिकना सतह के होते। ये मिर्चा कम तीखा रहते और एकर उपयोग अचार, पकौड़ा आदि में ज्यादा होते। लगभग 2 महीना में तैयार ये मिर्चा बने उत्पादन देते और मुनाफा बनाते। तो हमर किसान भाई मन मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। ऐसा ही राजनांदगांव जिला के अघनु भैया अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत है और बने मुनाफा कमात है। जानकारी देवत ओहर बताते कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 से 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 से 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उह मन उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव, आओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी मा धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी मा धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल। नगरी कृषि उपज मंडी मा धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति क्विंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी मा सेमी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हावे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ए लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डाले। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूले। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव गांव और शहर शहर में बात चले, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चले। आसान हुआ फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। बोनस
अवसंगी मिल के जी भागला जगाबो, अवसंगी मिल के जी गावला जगाबो, नवा नवा योजना आया है, नवा नवा रंग, नवा नवा तकनीक आ गए, नवा नवा ढंग, नवा नवा ज्ञान ला, नवा नवा ज्ञान ला, जानबो यो जनाबो, अवसंगी मिल के जी कार्यक्रम के दिखाइया छत्तीसगढ़ के जन्म किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो तुम जाना था कि आज के दिन तो हमन मन से सीधा बात घलो होते तो आज जो किसान भाई मन है आज के योजना से संबंधित आज के विषय संबंधित कुछ सवाल जानना चाहते हुई तो खबर में फोन नंबर तुम बता देता हूँ 1800-233-9418 यही नंबर में तुम हमारे सवाल कर सकते हो। संगी हो आज हम आप मन जो सरकार के द्वारा किसान मन ला का सुविधा दे जाते और आत्मा योजना यही विषय में जानकारी देवो संगवारी हो और ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में दोनों दो जन महानुभाव मन पधारे हुए आप हैं महादेव कावरे जी अतिरिक्त कलेक्टर हमारे रायपुर के और आप हैं आरएल धुरंधर जी उप संचालक कृषि। तो संगवारी हो ये काका योजना है और ये आत्मा योजना काला की थे आवाज हुल जानथन और आप मन के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको स्वागत करता हूँ जय जोहार राम राम। तो धुरंधर जी हम सबसे पहले आप जानना चाहबो कि बहुत अकन योजना हम सुने हैं लेकिन ये आत्मा योजना का चीज आए ये नवा नवा लगत है ये का विषय है ये किसान मन कौन कौन प्रकार से लाभ मिलत है आत्मा योजना के तेल पहले बता दे। सबसे पहले किसान भाई मन राम राम कृषि विभाग के तरफ से और जैसे कि आप मन पूछे हो आत्मा नाम सुनते तो किसान भाई मन लगते का आत्मा है जी जी लेकिन ये योजना जो है जो कृषि और कृषि संबंधित बहुत अकन जो विभाग है कृषि है पशुपालन है मत्स्य पालन है आपके उद्यानिकी है या सेरिकल्चर है ये सब काम करने वाला अलग अलग क्षेत्र में किसान भाई मल्ला एक समूह के रूप में खेती के लिए प्रोत्साहित करना और सब जानथन कि सिर्फ धानक खेती से हमारा विकास संभव नहीं है तो हम किसान भाई मल्ला अन्य उद्यम है कृषि के साथ पशुपालन कर रहा है या कृषि के साथ उद्यानिकी काम कर रहा है या कृषि के साथ दूध पालन के काम कर रहा है तो यही चीज के तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से और अलग अलग समूह बनाथन। अच्छा जैसे कि मान लो हमारे किसान भाई है टमाटर के खेती करने वाला है और वो मतलब पता नहीं कि टमाटर के उन्नत तकनीक के बारे में पता नहीं है या उकर बाजार कहाँ मिलही एक पता नहीं है तो हमन प्रशिक्षण के माध्यम से और ओला उन्नत तकनीक भी उपलब्ध कराथन और कुछ प्रदर्शन भी रखथन हम और अतिरिक्त हम जो समूह बनते हैं हमार वो समूह हम 10,000 रुपया एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में भी उपलब्ध कराथन और वो राशि के माध्यम से किसान भाई अपन आवश्यकता के उपयोग पूर्ति कर लेते और साल भर बाद वो राशि बिना ब्याज के हम लोग फिर लौटाते ताकि हम दूसर वैसी समूह हम ओकर माध्यम से मदद कर सकन। एक अतिरिक्त बहुत सारे तकनीक ऐसे भी है जो हमारे प्रदेश में नहीं है या जिला में उपलब्ध नहीं है तो वो किसान भाई मल हम दूसर प्रदेश में या दूसर जिला में जहाँ अच्छा तकनीक से अगर खेती होते तो वो कर देखे बर हाँ। किसान भाई मन भेजथन हम जो हम प्रदर्शन भ्रमण या प्रशिक्षण ऐसे नाम देथन सरकारी खर्च वो सरकारी खर्च में जाते और एक पीछे उद्देश्य यही रहते कि वो अच्छा तकनीक देख के आए और अपन खेती में उपयोग करें। जी हमारे किसान भाई फोन है ले लेते हैं। हाँ हेलो हेलो राम 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 भैया कौन बोला था रामेश्वर प्रसाद बोला था सूरजपुर ले। अरे वाह वाह आपके स्वागत है जय जोहार जय जोहार। हाँ पूछा भाई क्या पूछना चाहता था शासन कथिले कौन कौन सिंचाई साधन चलाते हैं। हाँ सिंचाई से संबंधित कौन कौन से किसान मतलब लाभ मिलत है आप ही बताओ सर जी जी। नमस्कार जी किसानों को सिंचाई से संबंधित जो योजनाएं हैं उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि हम ट्यूबवेल्स हैं जी जी ट्यूबवेल खनन और जो पंप स्थापना के लिए है यदि सामान्य वर्ग के कृषक हैं तो उन्हें 25,000 तक अनुदान राज्य शासन देती है और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान भाई हैं तो उन्हें 35,000 तक का अनुदान शासन देती है और यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कृषक हैं तो 43,000 रुपये तक अनुदान शासन की तरफ से दिया जाता है नलकूप पर।
नलकूप पर। अच्छा। इसी प्रकार से यदि कोई कुआं के माध्यम से सिंचाई करना चाहे तो कुआं के लिए भी शासन अनुदान देती है, जिसमें 50% तक का अनुदान है और 17,200 रुपए तक भी अनुदान इसमें दिया जाता है। खुदवाए बर और जैसे स्प्रिंकलर लगवाना चाहते हैं या ड्रिप लगवाना चाहते हैं किसान भाई मन, तो ओखर बर सरकार तरफ से क्या योजना है? देखिए स्प्रिंकलर के लिए यदि लघु सीमांत कृषक हैं तो 75% तक का अनुदान इसमें दिया जाता है, और यदि बड़े कृषक हैं 5 एकड़ से अधिक जिनका जमीन है तो उसमें 50% तक का अनुदान। किसान भाई फोन पहले बात लागे। हाँ हेलो। हेलो हेलो, कौन बोला था भाई? मैं अंबिकापुर से बैद्यनाथ राय बोला था। वाह भाई जी, अंबिकापुर ले बोला था, आपके स्वागत है, जय जोहार। कलेक्टर साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। पूछा भाई, क्या पूछना चाहते थे? टमाटर के खेत में ड्रिप लगाने के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है? जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो ड्रिप टमाटर की खेती में ड्रिप का आप स्कीम लगवाना चाहते हैं, और ये शासन की तरफ से जैसे कि अभी बताया गया है कि ड्रिप यदि इरिगेशन करवाना चाहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक हैं और लघु सीमांत के तहत आते हैं, 5 एकड़ से यदि कम उनका क्षेत्रफल है तो उसमें 75% तक अनुदान राज्य शासन देती है, और यदि कोई कृषक जिसका 5 एकड़ से ऊपर है बड़े कृषक हैं तो उन्हें 50% अनुदान दिया जाता है। तो इस योजना का आप बिल्कुल लाभ उठाइए और टमाटर की खेती में जी उनको मतलब बढ़िया उनका उत्तर मिल गई। सही। अच्छा, जैसे अगर कोई किसान भाई बहन मिनी राइस मिल वगैरह खोलना चाहते हैं, ये भी योजना के अंतर्गत वगैरह है? जी जी, मिनी राइस मिल यदि कोई डालना चाहता है, देखिए आजकल हमारा जो धान का उत्पादन है ये बढ़ गया है, और यदि कोई राइस मिल बड़ा राइस मिल ना डाल के छोटा राइस मिल मिनी राइस मिल डालना चाहता है तो उसमें 80,000 रुपए तक शासन की तरफ से अनुदान दिया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, आत्मा योजना के अंतर्गत में उद्यानिकी वगैरह भी आप बताए हो, बोला कैसे ढंग से किसान भाई मन समझिए कैसे लाभ ले पाई होकर? निश्चित रूप से जैसे मैं बताया कि सिर्फ धान की खेती या चना की खेती से हमारी तरक्की संभव नहीं है। जी जी। तो किसान भाई के पास यदि बाड़ी है या सिंचाई की सुविधा के पास उपलब्ध है तो उद्यान की फसल ले सकते हैं। उद्यान की फसल पहले से भी लेते हो, मान लो गांव में 4 जन 6 जन 8 जन किसान, का चीज आते उद्यान की फसल, उद्यान की पूरा साग भाजी का पूरा फल आ गए। जी जी। तो हमारी ये योजना आत्मा योजना में हम ये मदद करथन कि किसान भाई मतलब उन्नत तकनीक के प्रदर्शन करथन ओकर गाँव में, और प्रदर्शन के माध्यम से बताथन कि आप जो भी वर्तमान में खेती करत हो साग भाजी के या फल, तो मैं का त्रुटि होते और आप अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हो, ये हम प्रदर्शन के माध्यम से बताथन और प्रशिक्षण भी करथन। साथ ही साथ जहां हम प्रदर्शन डाले रहथन वो प्रदर्शन ला वो गांव के या आसपास के गांव के किसान मन ला भी दिखाथन, ये बताए बार कि भाई आप यदि उन्नत तकनीक से खेती करहू तो निश्चित रूप से आपके भी लाभ में वृद्धि होगी। तो उद्यानिकी हो चाहे दूध के पालन के क्षेत्र में हो, हमारे किसान भाई मल्ला हम आत्म योजना के तहत प्रोत्साहित करथन और प्रदर्शन भी आयोजित करते। जी जी, हमारे किसान भाई फोन है ले लेते। हाँ हेलो। हेलो भैया। राम राम। राम राम भैया, कौन बोला था? किरण कुमार भीवर बोला था भैया, ग्राम सरोदा अरंगले। अरे वाह भाई, आपके स्वागत है किरण कुमार जी, जय जोहार। जय जोहार भैया। हाँ पूछो। साकम्भरी योजना के बारे में बताओ भैया। हाँ साकम्भरी योजना। हाँ हाँ, हमने अब फोन लगा था, आप मतलब लगे नहीं। अब मैं देखता हूँ आपके एक तो रेगुलर ग्राहक है सिरवा बांध वाले योगेश जांगड़े जी। जी जी। ओगरे फोन ज्यादा लगते है नहीं ऐसे बात नहीं है भाई, हमारे सब बरोबर होते हैं सबो जन पर। अब आपके साकम्भरी योजना लाई हमारे कलेक्टर साहब आए हुए हैं, कावरे जी वो बताही। जी साकम्भरी योजना के बारे में आपने पूछा है, इसमें राज्य शासन की बहुत अच्छी योजना है, चाहे वो कोई उद्यान की फसल लेना चाहते हो या फसल लेना चाहते हो, जैसे विद्युत पंप लगाकर वो सिंचाई करना चाहते हैं या डीजल पंप लगाकर सिंचाई करना चाहते हैं तो इसमें लघु सीमांत कृषकों के लिए 75% तक का अनुदान साकम्भरी योजना में दिया जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई कृषक 5 एकड़ से ऊपर जमीन का मालिक है तो उन्हें
50% तक अनुदान इसमें साकम्भरी योजना में दिया जाता है। जी जी, अच्छा किसान समृद्धि योजना घलो एक आप बता रहे हैं शुरू में, तो क्या चीज है? देखिए किसान समृद्धि योजना में नलकूप खनन हो अच्छा, या उसमें पंप स्थापित करना हो, ये दोनों मिलाकर जो अनुदान की सीमा है वो निर्धारित की गई है। जैसे कि यदि कोई सामान्य कृषक है तो उसको 25,000 तक का अनुदान दिया जाता है अच्छा, और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई कृषक है तो उसे 35,000 तक का अनुदान दिया जाता है किसान समृद्धि योजना में, और यदि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई कृषक है तो उन्हें 43,000 तक रुपए तक का अनुदान इसमें दिया जाता अच्छा, है। अच्छा कलेक्टर साहब एक तरह बात है, जैसे कोनो किसान भाई मन कुआं वहाँ खोदवाई और कुआं फेल हो गई जी जी, पानी वानी नहीं निकली सोभा, तो ओखर पर कुछ योजना है क्या सरकार तरफ से? जी अच्छा, पहले एक ठन किसान भाई फोन ले लेते हैं, देखा बात करो। हाँ हेलो 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 हेलो, राम राम भैया। राम राम भैया, कौन बोला था जी? मैं राम प्रसाद बोला था, ग्राम पीपल सस्ती से अटलपरा क्षेत्र। हाँ बढ़िया बढ़िया, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार है। पूछा सुन राम प्रताप जी, तो मैं सर कुआं खोदवाने का था अपन बारी के किनारे में, तो सब्जी भाजी हाँ हाँ ठीक है ना, कुआं खोदवाना चाहते किसान जी जी। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपके बाड़ी में आप कुआं खुदवाना चाहते हैं, और कुआं के लिए जो एक अनुदान की सीमा है शासन ने जो तय किया है उसमें 17,200 रुपए तक का अनुदान कुआं निर्माण के लिए आपको दिया जा सकता है। आप उसमें कुआं खुदवाकर उसको बनाई करवाइए, फिर उसमें आप पंप लगवाकर सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा ये 17,000 रुपया सबो किसान भरे कि हरिजन आदिवासी भरा अलग है, ओबीसी भरा अलग है, सामान्य भरा अलग है? ये सभी कृषकों के लिए 17,200 तक की सीमा है जी, 50% या 17,200 तक। अच्छा आप ये भी बता रहे जैसे कुआं फेल होगी ककरो जी, कुछ योजना है सरकार? जी जी, यदि मान लीजिए आपने कुआं खुदवाया है, नलकूपकरण करवाया है और यदि फेल हो गया तो आपका जो लागत आया है खनन करने के लिए उसका 50% और अधिकतम उसमें एक सीमा है उसमें शासन की तरफ से दिया जाता है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा धुरंधर साहब, ये जो ना आत्मा योजना है तेल का गांव के एक जन किसान मतलब लाभ देते हैं कि मतलब समूह बनाना जरूरी होते? इमें अलग घटक है, बहुत अकन काम करता है, लेकिन जो हम मुख्य जो उद्देश्य है कि किसान भाई संगठित रूप से यदि काम करही तो ओकर से है कि ओकर बाजार के समस्या नहीं रही और बाजार के सही मूल्य भी मिले। जैसे आप मतलब उदाहरण बताता हूँ, मान लो दूध के उत्पादन के हम कोई किसान ला समूह बनाए किसान बन के, अब हमारे 10 जन या 15 जन किसान के समूह है, अब ये 10 जन किसान 15 जन किसान सबो जन एक एक करके अपन दूध ले बेचल जाए तो 10 जन किसान की मजदूरी भी खराब हुई, 9 जन समय भी खराब हुई। ठीक कहना है, तो इस समूह के माध्यम से हम ये करथन प्रयास करथन कि सब दूध एक जन इकट्ठा कराए, और अभी तो शासन के योजना भी चलत है कि समूह में दूध उत्पादन करत है और मात्रा ज्यादा अच्छा है तो जो दुग्ध संघ के माध्यम से वो दूध उठा के भी गांव से ही ले जाते और किसान भाई ला उसमें अतिरिक्त लाभ मिलत है। तो यदि समूह में यदि काम करत हन और ये योजना के मुख्य उद्देश्य यही है जैसे आत्मा कहा था तो सबक आत्मा मिल जाए तो खेती में तरक्की कर सकते हैं, हमारे जीवन स्तर में सुधार हो सकते हैं। अब जैसे कि हम और आगे बढ़ावर का करते हैं कि जो हमारे प्रगतिशील किसान है कुछ किसान भाई तो अलग अलग गांव से चयन करथन और उमल्ला विश्वविद्यालय बुलाथन और वैज्ञानिक मन के बीच में ओकर परिचर्चा कराथन और ओकर मन के जो खेती बाड़ी से संबंधित जो समस्या रही थे ओकरो हम चर्चा करा करके ओकर समाधान करथन ताकि वो गांव में जाए अपन खेती में वो लोग उपयोग करे वो तकनीक ला और अन्य किसान भाई बताए। अच्छा तो ये कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक परिचर्चा इसे हम नाम देथन, तो यो काम भी हम आत्मा के माध्यम से करथन। फिर जैसे मान लो मछली पालन के करना है, मछली पालन करने वाला किसान है हमारे मन के 8 जन 10 जन के समूह है तो योजना में एक प्रदर्शन के लिए 4,000 रुपए के प्रावधान रहते। अच्छा तो हमन का करथन किसान भाई मल्ला मछली के 20 दे देन या मछली के चारा दे दें, जो 4,000 रुपए तक के सीमा है एक किसान के लिए। तो समूह में जैसे 10 किसान है गांव में मछली पालन करने वाला तो अलग अलग किसान ला भी हम ये सामग्री उपलब्ध कराथन। तो कुल मिलाकर के है कि यदि समन्वित खेती करबो तो मैं खेती के साथ अन्य व्यवसाय अपनाबो तो हमारी तरक्की हुई,
यही योजना के मूल उद्देश्य है और यही योजना में हमन 5 साल से काम करा था योजना में और अच्छा किसान भाई के मन के रिस्पांस कहना चाहिए या प्रतिसाद मिला थे। अच्छा अच्छा सर, जैसे कि हमारे किसान भाई के फोन पे ले लिया। हाँ हेलो। हाँ भैया, राम राम। राम राम भैया, कौन बोला था? हाँ मैं डोरी बलोदी बोला था, अशोक कुमार निर्मलकर। अशोक कुमार निर्मलकर जी, आपके स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार भैया। पूछा पूछा, क्या पूछना चाहा था भैया? मेरा बोर करवाना रही तक माँ और ड्रिप लगवाना रही, कुछ सुविधा है कर लिए। अच्छा, बोर करवाना रही कहा थे सर? ड्रिप लगाना है इसी। जी जी, देखिए आप बोर करवाना चाहते हैं और ड्रिप इरिगेशन चाहते हैं तो उसके लिए किसान समृद्धि योजना शासन के तरफ से है। इसमें देखिए, यदि सामान्य कृषक हैं तो उसके लिए 25,000 रुपए तक का अनुदान शासन की तरफ से है और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक हैं तो उन्हें 35,000 रुपए तक का अनुदान शासन की तरफ से है और यदि अनुसूचित जाति जनजाति के कृषक हैं तो 43,000 रुपए तक का अनुदान शासन की तरफ से दिया जाता है, तो इसका लाभ बिल्कुल। अच्छा, नहीं ये बोर खुजवाए बारे में जामे काखर में आवेदन दें, किसी ढंग से किसान भाई बन काम करें जो मामला मिल जाए? देखिए आवेदन करने के लिए जो जिला स्तर में कृषि विभाग है जी, या विकासखंड स्तर में जो हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं तो वहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं। जिला हमारे उपसंचालक कृषि है, उनके पास आवेदन दे सकते हैं। जी, अच्छा, जैसे ड्रिप लगाना चाहते हैं बताइए, कुआं खुदवा के बाद ड्रिप घरों लगवाऊंगी? जी जी, तो बारे में थोड़ा बता दो उन लोगों। जी जी, देखिए ड्रिप इरिगेशन के लिए जो शासन की योजना है, चाहे वो साकम्बरी योजना हो, कोई माली उद्यान की फसल लेना चाहते हो या फसल लेना चाहते हो, उसके लिए यदि लघु सीमांत कृषक हैं, छोटे कृषक हैं जिनका 5 एकड़ से कम है तो उन्हें 75% तक का अनुदान है और यदि बड़े कृषक हैं 5 एकड़ से ऊपर वाले तो उन्हें 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। बिल्कुल फायदा उठाएंगे हमारे किसान भाई, मैंने कहो किसान भाई फोन है। हेलो हेलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ राम राम भैया। राम राम भैया, कौन बोला था भाई? भैया। अच्छा अच्छा, पूछो क्या पूछना चाहता था सर? यही तो आत्मा मतलब कि जो हाँ वहाँ तक वो थोड़ा सा सर दिक्कत हो जाता है। हाँ, आत्मा योजना लाओ थोड़ा ठीक से जानना चाहता था आप। जी सर। हाँ तो धुरंधर जी एक बार थोड़ा सा और व्याख्या। आत्मा योजना ऐसे है कि हमारे यदि किसान भाई मन कुछ तकनीक से अपने हिसाब से जो खेती कर रहे थे, मान लो तो वो किसान भाई मल्ला हम अगर गांव में जाके प्रदर्शन के माध्यम से उन्नत तकनीक के प्रदर्शन करता है और किसान भाई मल्ला बताते हैं कि यदि उन्नत तकनीक से खेती कर हुआ तो आपके जो लाभ है उनमें वृद्धि हुई। लेकिन हम जैसे आप मतलब बताए योजना के मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान भाई मल्ला एक समूह में के रूप में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है तो हमन कृषक अभिरुचि समूह बनाथन। यदि आप मन गांव में गेहूं की खेती कर रहा था और वो अगर बीज उत्पादन करना है, मान लो प्रमाणित बीज बनाना है, तो हम एक समूह बनाथन और उस समूह ला हमारे जिला कार्यालय में पंजीयन करथन और पंजीयन करे के बाद जैसे आप बीज उत्पादन करना चाहता हो तो बीज उत्पादन के का तकनीकी पहलू है, ये तकनीकी पहलू के उस समूह ला हम प्रशिक्षण देथन और प्रशिक्षण भी देथन और प्रदर्शन भी आयोजित करथन उन्नत तकनीक के। तो किसान भाई के लिए दो प्रकार से मदद करथन कि उन्नत तकनीक के वो प्रदर्शन के माध्यम से अपन उत्पादन ला बढ़ाए और एक समूह के रूप में जब रही तब उकर बीज ला बेचे बार, अब ये बीज कहाँ जाए, प्रमाणित बीज यदि उत्पादन करने वाला समूह बनाए हैं तो वो जाते हैं हमारे प्रक्रिया केंद्र में बीज निगम के। अब मान लो एक जन किसान है और 1 एकड़ में गेहूं लगाई और 10 बोरा हो, ओकर गांव से प्रक्रिया केंद्र मान लो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर है तो ओला किराया में कहूं लेके जाए तो 10 बोरा लेके जाए तो पोसाए नहीं। नहीं ठीक कहना है। लेकिन यदि उस समूह में हमारे किसान भाई है तो ओकर से कहा है कि 1 ट्रैक्टर के मान लो गेहूं बीजा हो गए तो किराया भी कम पड़ी और एक ही जन किसान वो बीजा ला बीज प्रक्रिया केंद्र में देख आ सकते। अब बीज उत्पादन में का फायदा है, बीज उत्पादन में जो कीमत मिलते किसान भाई ला बीजा के वो साधारण जो हमन बेचथन बाजार में ओकर से 1.25 गुना कम से कम कीमत मिलते और अच्छा बीज हमारे किसान भाई मन उत्पादन करते और बोला हम अन्य किसान भाई ला उपलब्ध कराता। हाँ तो हमारे किसान भाई का फोन आए। हेलो
हेलो। तो सर जैसे आप, हाँ पावर ट्रिलर जो है मिंजे के मशीन है, पावर ये थ्रेसर वगैरह है, तो यू मशीन आजकल हमारे किसान भाई मन बहुत उपयोग करे बर धर ले हुए। तो ये किसान ये मतलब लेबर किसान भाई मन कहाँ जाए, का का सरकार डाले सुविधा है, कैसे प्राप्त करी? देखिए पावर थ्रेसर के लिए जो शासन ने स्कीम निकाला है अनुदान की एक सीमा है, जैसे केंद्र शासन की तरफ से 12,000 रूपए अनुदान इसमें दिया जाता है और राज्य शासन की तरफ से भी 12,000 रूपए का अनुदान इसमें अच्छा, दिया जाता है, कुल मिलाकर 24,000 रूपए का अनुदान इसमें दिया जाता है। और ये चाहे वो बैंक से वो करके करे या सीधे परचेस कर सकते हैं किसान, तो उम्र सरकार डालोगे सुविधा मिल जाएगी। जी जी। अच्छा धुरंधर सर, ये जो ना आप बताओ था कि उन्नत तकनीक की जानकारी आत्मा योजना के अंतर्गत, तो वो कुछ खर्चा पानी खोलो आवत हुई निश्चित, तो वो खर्चा पानी कौन ढाल ले होते कतेक कतेक निश्चित रूप से किसान भाई मल्ला हमन जो प्रदर्शन का आयोजन करथन तो एक एकड़ के लिए 4,000 रूपए तक के प्रावधान है। अच्छा, अभी 4,000 रूपए हम नगद में निधन हम मल्ला सामग्री को में देते हैं, चाहे अच्छा बीज हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हो, चाहे दवाई हो या बीजोपचार दवा हो, ये रूप में हम किसान भाई मतलब उपलब्ध कराथन। अब जैसे कि हम बताए ना आप मतलब कि यदि बड़े स्तर में हम लोग कुछ वो बताना है किसान भाई मतलब, तो किसान मेला करे की भी योजना में प्रावधान है। अच्छा, और निश्चित रूप से साल में एक बार हम किसान मेला भी करथन जेमा न केवल कृषि बल्कि सबो विभाग के जो अच्छे तकनीक है वो लगकर हम प्रदर्शनी भी लगाथन और किसान भाई मल्ला गाँव से लाथन और प्रदर्शनी दिखाए के माध्यम से प्रेरित करे प्रयास करथन कि हम उमन है अच्छा खेती करे और अपन जिंदगी में खुशहाली लाए। यही प्रकार से जो हमार आत्मा योजना में जैसे हमार किसान भाई मान लो फल के उद्यान लगाना चाहते हैं तो मैं जैसे पहले उदाहरण दे दूध के कि एक जन किसान दूध उत्पादन करी था वाला खोजल लगी और बाजार खोजल लगी बेचे पर, तो यही प्रकार से यदि फल उद्यान करना है तो ओकरो समूह बनाबो हम जी। अब वो समूह बना करके जैसे एक ही प्रकार के जैसे फल लगाते हैं जी 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 जी, तो वो तो फल के बाजार भी कोई समस्या सब समूह दूर करिए। तो आप मन आज हमारे किसान भाई मन बहुत सुंदर जानकारी दे हवा, कलेक्टर साहब आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, धुरंधर जी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, मौका पड़े फिर बोला तो बाहू भाई जी हो। किसान के जतका योजना सरकार डाले चलत है आज बताई नहीं हमारे सरकार मन, और एक तुम जानकारी लेवाओ और खूब फायदा उठाओ और नवा दिन में एक नवा विषय लेके फिर आवो, तब तक बार जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।